नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पवित्र रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेरों सारा प्यार। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे जगन्नाथ मेरे जितने सारे व्यूवर्स हैं उसका हमेशा सुख रखें, संपन्न रखें। तो ठीक है दोस्तों, और हम देर नहीं करते हैं, अपने वीडियो को फटाफट शुरू भी कर देते हैं। दोस्तों आज का जो मेरा विषय है करंट के ऊपर में, दोस्तों बिजली के ऊपर में। जब बिजली चली जाती है, आप लोगों को तो मालूम है अभी गर्मी का मौसम है, अगर थोड़ा भी बिजली चली जाती है तो हमें कितने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हम क्या दोस्तों, बच्चे हो बूढ़े हो जो भी हो, क्योंकि बिजली हमें इतनी आवश्यकता होती है। तो ठीक है दोस्तों, देर नहीं करते हैं, अपने विषय पर ही चले आते हैं। दोस्तों आपको लगता है कि आज का विषय आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो में नए नए व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपके पास आते रहे। लेकिन ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो मेरे अपडेट्स आप नहीं देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। करंट नहीं है, करंट नहीं है, करंट ले दू, करंट ले दू, करंट करंट नहीं है, ले दू, करंट ले दू, करंट कल शाम से नहीं है, करंट कल शाम से नहीं है, करंट నిన్న సాయంత్రం నుంచి లేదు, కరెంట్ నిన్న సాయంత్రం నుంచి లేదు, కరెంట్ కరెంట్ కల్ షామ్ సే నిన్న సాయంత్రం నుంచి నహీ హై లేదు, కరెంట్ నిన్న సాయంత్రం నుంచి లేదు, కరెంట్ కి బినా బచ్చే కేసే సోయెంగే, కరెంట్ కి బినా బచ్చే కేసే సోయెంగే, కరెంట్ లేకుండా పిల్లలు ఎలా నిద్రపోతారు, కరెంట్ లేకుండా పిల్లలు ఎలా నిద్రపోతారు, కరెంట్ కే బినా, కరెంట్ కే బినా, కరెంట్ లేకుండా, కరెంట్ లేకుండా, బచ్చే పిల్లలు కేసే సోయింగి ఎలా నిద్రపోతారు, కరెంట్ లేకుండా పిల్లలు ఎలా నిద్రపోతారు, పంఖే కే బినా ముజే నీంద్ హీ నహీ ఆతీ, పంఖే కే బినా ముజే నీంద్ హీ నహీ ఆతీ, ఫ్యాను లేకుండా నాకు నిద్రే రాదు, ఫ్యాను లేకుండా నాకు నిద్రే రాదు, పంఖే కే బినా ఫ్యాను లేకుండా ముజే నాకు నీంద్ హీ నిద్రే, నీంద్ నిద్ర, నీంద్ హీ నిద్రే నహీ ఆతీ రాదు, ఫ్యాను లేకుండా నాకు నిద్రే రాదు, मैं जाके इलेक्ट्रिक ऑफिस में शिकायत दर्ज करता हूँ, मैं जाके इलेक्ट्रिक ऑफिस में शिकायत दर्ज करता हूँ, नेनु वेल्ली इलेक्ट्रिक ऑफिस लो फिर्यादु चेस्तानु, नेनु वेल्ली इलेक्ट्रिक ऑफिस लो फिर्यादु चेस्तानु। दोस्तों जो शिकायत होता है ना, शिकायत को हम बोलते हैं फिर्यादु, क्या फिर्यादु। और इलेक्ट्रिक ऑफिस को मैं जो मैंने बोल रहा हूँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक ऑफिस उसको हम तेलुगु में बोलते हैं विद्युत कार्यालयमु, क्या बोलते हैं विद्युत कार्यालयमु। परंतु आजकल ये वर्ड ज्यादा कोई यूज नहीं करता है दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिक ऑफिस कॉमन हो गया, सभी लोग इसको इन शब्दों का उपयोग करते हैं। दोस्तों आप इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि इलेक्ट्रिक ऑफिस को हम तेलुगु में क्या बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत कार्यालयमु, क्या बोलते हैं विद्युत कार्यालयमु। अगर आपको फिर यादु बोले नहीं आता होगा तो वहां पे आप कंप्लेंट जो अंग्रेजी शब्द होता है वो भी आप बोल सकते हैं। अगर आपको नहीं मुझे तेलुगु में बोलना है, क्लियरली बोलना है, तो आप बोल सकते हैं फिर यादु, क्या बोल सकते हैं फिर यादु, मैं जाके इलेक्ट्रिक ऑफिस में शिकायत दर्ज करता हूँ। समझ रहे ना दोस्तों, मैं जाके नेन वेल्ली इलेक्ट्रिक ऑफिस में, इलेक्ट्रिक ऑफिस लो या विद्युत कार्यालय मुलो शिकायत फिर यादु, शिकायत को क्या बोलते हैं फिर यादु, करता हूँ चेस्तानु नेनु वेल्ली इलेक्ट्रिक ऑफिस लो या विद्युत कार्यालय मुलो फिर यादु चेस्तानु। जब आप इलेक्ट्रिक ऑफिस में पहुंच जाते हैं तब आप इलेक्ट्रिक ऑफिसर हो या जो आपका कंप्लेंट रिसीव करते हो उनसे आप जाके पूछते हैं ना दोस्तों, वो सबसे पहले आपसे क्या बोलेंगे, वो आपसे बोलेंगे
मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। नेनु मीकु एमी सहायम चेयगलनु, नेनु मीकु एमी सहायम चेयगलनु। मैं नेनु आपकी मीकु क्या सहायता एम सहायम कर सकता हूँ, चेयगलनु। नेनु मीकु एमी सहायम चेयगलनु। तभी आप क्या बोलेंगे, हमारे घर में कल शाम से करंट नहीं है, हमारे घर में कल शाम से करंट नहीं है। మా ఇంట్లో నిన్న సాయంత్రం నుంచి కరెంటు లేదు, మా ఇంట్లో నిన్న సాయంత్రం నుంచి కరెంటు లేదు। హమారే ఘర్ మే మా ఇంట్లో నిన్న సాయంత్రం నుంచి కల్ శామ్ సే బిజ్లీ నహీ హై యా కరెంట్ నహీ హై, కరెంటు లేదు। మా ఇంట్లో నిన్న సాయంత్రం నుంచి కరెంటు లేదు। దోస్తో మేనే యహాన్ పే కహా హై నిన్న, క్యా కహా, నిన్న మత్లబ్ बीता हुआ कल, यस्टरडे, कल शाम से, निन्न सायंत्रम नुंची मतलब बीते हुए कल शाम से, समझ रहे ना दोस्तों। इसीलिए जो शब्द होते हैं इसे आप अच्छी तरह से पहचाने रहे दोस्तों, याद रखे रहिए। मैंने आपको एक नया शब्द बताया था शिकायत के लिए, शिकायत का अर्थ क्या होता है, फिर यादू, क्या कहा था, फिर यादू। और निन्ना मतलब कल, जो बीता हुआ कल होता है उसे हम बोलते हैं निन्ना। इसलिए मैं शिकायत दर्ज करने आया हूँ, इसलिए मैं शिकायत दर्ज करने आया हूँ। अंदुकुनी नेनु फिर्यादु चेयडानिकि वच्चानु, अंदुकुनी नेनु फिर्यादु चेयडानिकि वच्चानु। अंदुकनी इसलिए, मैं नेनु शिकायत दर्ज फिर्यादु करने आया हूँ, चेयडानिकि वच्चानु। अंदुकुनी नेनु फिर्यादु चेयडानिकि वच्चानु, इसलिए मैं शिकायत दर्ज करने आया हूँ। जब आप ये वाक्य बोलते हैं तो ऑफिस में जो काउंटर में बैठे रहते हो क्या पूछते हैं, करंट कब से नहीं है, करंट कब से नहीं है, करंटु एप्पटि नुंची लेदु। इसे क्या बोलते हैं तेलुगु में, करंटु एप्पटि नुंची लेदु, करंट करंटु कब से, एप्पटि नुंची नहीं है, लेदु करंटू एप्पटि नुंची लेदु। तो अब क्या बोलेंगे, जब से लाइन चली जाती है तब से ही बोलेंगे, एक बार क्या दोस्तों, 10 बार भी सही। जैसे अभी आप बोलेंगे, करंट कल शाम से ही नहीं है, करंट कल शाम से ही नहीं है, करंटू निन्न सायंत्रम नुंचे लेदु, करंटू निन्न सायंत्रम नुंचे लेदु, करंट करंटू कल शाम से ही, నిన్న సాయంత్రం నుంచే నహీ హై లేదు, కరెంటు నిన్న సాయంత్రం నుంచే లేదు। ठीक है, रजिस्टर में आप अपने घर का पता और फोन नंबर लिख दीजिए। ठीक है, रजिस्टर में आप अपने घर का पता और फोन नंबर लिख दीजिए। सरे रजिस्टर लो మీరు మీ ఇంటి చిరునామా ఇంకా ఫోన్ నంబరు రాసి ఇవ్వండి। सरे रजिस्टर लो मीरु मी इंटे चिरुनामा इंका फोन नंबरु रासवंडी। ठीक है, सरे रजिस्टर में, रजिस्टर लो अपने घर का पता, आप मीरु अपने घर का पता, मी इंटे चिरुनामा, और इंका, इंका के स्थान में आप मरियु भी बोल सकते हैं दोस्तों, लेकिन इनका कॉमन है, आप इनका भी बोलिए अच्छा रहेगा, इनका, और फोन नंबर, फोन नंबरु, फोन नंबर, फोन नंबरु लिख दीजिए, राशि बंडी। ठीक है, रजिस्टर में आप अपने घर का पता और फोन नंबर लिख दीजिए, स्टाफ आके ठीक कर देंगे, स्टाफ आके ठीक कर देंगे, స్టాఫ్ వచ్చి సరి చేస్తారు, స్టాఫ్ వచ్చి సరి చేస్తారు, స్టాఫ్ ఆకే, స్టాఫ్ వచ్చి ठीक कर देंगे, సరి చేస్తారు, స్టాఫ్ వచ్చి సరి చేస్తారు। जब आप अपना कंप्लेंट पूरा दर्ज कर देते हैं, वो आपका काम कर देते हैं, तो क्या बोलेंगे अंत में, आप बोलेंगे ना, ठीक है धन्यवाद सरे, धन्यवाद आलू, ठीक है सरे धन्यवाद आलू, धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों
आज का मेरा वीडियो कैसा था, पूरे टॉपिक में था, इसीलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना दोस्तों, पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना है, जान गए ना दोस्तों। अभी मेरा सवाल पूछने का टाइम आ चुका है, देखते हैं मेरे सवाल का जवाब कौन देते हैं। करंट आने के बाद पढ़ूंगा, करंट आने के बाद पढ़ूंगा, ये मेरा सवाल है, देखते हैं मेरे सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में कौन देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार।